अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बेबी फीडिंग बोतल के लिए कवर। तो हमें ये कपड़ा चाहिए, आप किसी भी किस्म का कपड़ा ले सकते हैं, कॉटन हो, कोई भी फैब्रिक चलेगा। तो पहले हमने मेजर कर लेना है इसकी लंबाई। मैं बना रही हूँ सिर्फ यहाँ तक कवर, तो इतनी लंबाई चाहिए हमें, और यहाँ से हम चौड़ाई मेजर कर लेंगे इसकी। तो ये मेरा कपड़ा है 5x7.5 इंचेस का, और हमें चाहिए इलास्टिक। आपके पास राउंड इलास्टिक हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अवेलेबल नहीं है कुछ भी, तो मैं इसी को काट कर लगाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने इस तरह यहाँ पर फोल्ड कर लेना है, नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, देखिए हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। तो जो आपको बताना भूल गई थी, आप जब बोतल के मेजरमेंट लो तो उसकी लंबाई में भी 1 इंच एक्स्ट्रा ले और चौड़ाई में भी 1 इंच एक्स्ट्रा ले। ठीक है, उसके बाद हमने इस तरह से इसको मेजर करके फिर जितना भी एक्स्ट्रा जो कपड़ा है सिलाई करने के बाद आप उसको कट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ देखिए मैंने रबड़ को इस तरह कट कर लिया है 2 भागों में। अब हम रबड़ को दोनों को इस तरह यहाँ पर और यहाँ पर सेफ्टी पिन की मदद से डाल देंगे। ठीक है, ये देखें हमने ऊपर और नीचे दोनों साइड में डाल देना है। ठीक है, आपको डाल के बताते हैं। हाँ जी, तो देखिए हमने दोनों तरफ रबर डाल दिया है। तो अब हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और इसको लॉक कर देंगे, फिर आपको बताते हैं कि हमारा कवर किस तरीके से बना है। अच्छा जी, देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है फिटिंग की। फिर देखिए आप, अब हम बोतल पे आपको कवर चढ़ा कर दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमने बोतल पर कवर चढ़ा दिया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये कितना इजी और कम कपड़े पे हमने बनाया है। नीचे से ये कुछ इस तरीके से लगेगा। कितने कम कपड़े में और कितने कम समय में हमने ये कवर बना लिया है। अच्छा जी, अगर आपके पास ऐसा कार्टून वाला अगर कोई कपड़ा नहीं है, जर्सी कपड़ा नहीं है, कॉटन है, आपको पसंद नहीं, तो आप अपने बेबी का पुराना जो कपड़ा होता है, जो उसको नहीं आता अभी, जो नहीं पहनता, जो कुछ भी है, तो आप उसका भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको पूरा कपड़ा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए, मैंने आपके लिए काट के रखा हुआ है। यहाँ से हम स्लीव्स को कट करेंगे। देख रहे हैं आप, स्लीव्स को कट कर देंगे। तो कार्टून वाला कपड़ा अक्सर बोतल के कवर पे बहुत अच्छा लगता है, तो आप कार्टून वाला कपड़ा इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अपनी पुरानी बेबी की टी शर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको हमने यहाँ से कट कर लेना है, बाजू इसकी कट कर लेनी है। फिर उसके बाद हमने ये जो रबर लगाया हुआ था दोनों साइड, उसी तरीके से यहाँ पर ऑलरेडी फोल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पर आप रबर डाल दीजिए यहाँ से कट करके, और यहाँ पर फोल्ड करके रबर डाल दीजिए। तो ये बन जाएगा सेम टू सेम, और कोई परेशानी नहीं होगी, और आप लोगों को कार्टून वाला कपड़ा भी मिल जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, बाजू काट कर भी बना सकते हैं। जिनके पास सिलाई मशीन नहीं होती, उनको बहुत परेशानी होती है कि वो किस तरह बनाए एंड ऑल। तो आप लोग हाथ से यहाँ पर स्टिच कर सकते हैं। स्टिच करके आप पतला सा नेफा बना लीजिए, उसके अंदर रबर डाल दीजिए, एंड गिव इट अ गो। जी, तो ये देखिए हमने स्लीव्स का भी ये बोतल कवर बना लिया है। देखिए ये थोड़ा इस तरीके से बना है नीचे यहाँ पर इससे, और ये जो बताती हूँ आपको, ये जो स्लीव्स की है यहाँ की, ये जो स्टार्टिंग है, इस पर मैंने इस तरीके से रबर डाला है कि यहाँ पर अंदर के साइड यहाँ कट लगाया है और एक यहाँ कट लगाया है। मैंने जॉइंट को खोला नहीं है, मैंने यहाँ और यहाँ कट लगाकर, सिर्फ अंदर की साइड, बाहर नहीं, अंदर की साइड थोड़ा सा कट लगाकर उसको सेफ्टी पिन की मदद से अंदर इलास्टिक डाल दिया है। तो ये बनकर तैयार हो गया, और यहाँ पर सिलाई से इसको स्टिच कर लिया, डबल स्टिच कर लिया है। यहाँ पर नॉर्मली वाल कट लगाने की थी स्लीव्स का जो ये पार्ट था, यहाँ से हमने कट किया था। तो इसको फोल्ड कर हमने नॉर्मली इसमें जिस तरीके से लगाई थी उसी तरीके से इलास्टिक इसमें लगा लिए नीचे की तरफ। तो ये हमारा दोनों बोतल का कवर तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।
थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।